हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं धर्मेंद्र मोजीदा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों आज देखेंगे हम उर्सो गैम्बिट के बारे में। उर्सो गैम्बिट एक ऐसी लाइन है जो लोग अटैकिंग प्लेयर है, बहुत ही अटैक करना चाहते हैं वाइट खेल के, जिसका नेचर अटैकिंग है, उन्हें ये पूरी ओपनिंग देखनी चाहिए। बहुत मजा आएगा आपको वाइट से खेलने में, क्योंकि ज़्यादातर मूव स्टार्टिंग के e4 e5 ही रहते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो खास आपके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं उर्सो गैम्बिट। e4 e5 बिशप c4 सेकंड मूव बिशप इंस्टेड ऑफ नाइट। ब्लैक खेलता है जब नाइट f6, यहां पे d4। अब दोस्तों कुछ लाइंस ऐसी है जो डिक्लाइन वाली। इस उर्सो मैं दो वीडियो बनाने वाला हूं। पहला वीडियो जो है वो डिक्लाइन लाइन के है, उर्सो गैम्बिट डिक्लाइन, और दूसरा जो वीडियो है वो होगा एक्सेप्ट। तो डिक्लाइन देखते हैं। यहां पे ब्लैक की चॉइस, फर्स्ट चॉइस नाइट टेक्स e4। नाइट टेक्स e4, यहां पे आपको खेलना है डी टेक्स e5। नाइट c6 ये सबसे बड़ी ब्लंडर होगी, यहां पे प्रॉपर रिप्लाई होना चाहिए d6। व्हाइट खेलेगा बिशप f7, किंग टेक्स f7, क्वीन d5, और यहां पे आपको पीस वापस मिल रहा है और ब्लैक का किंग कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुका है। दूसरा जो है d6, नाइट c6 के बदले यहां पे ब्लैक d6 खेलता है। तो d6 में आपको इस पोजीशन में d6, इसमें आपको पॉन टेक्स पॉन करना है, पॉन टेक्स पॉन, बिशप टेक्स f7, आफ्टर किंग टेक्स f7, क्वीन टेक्स क्वीन। अब यहां ब्लैक को इस लाइन में अपनी क्वीन वापस तो मिलती है, लेकिन एक पॉन डाउन हो जाता है, जैसे कि बिशप चेक, डिस्कवर्ड अटैक, यहां पे क्वीन d2, आफ्टर बिशप टेक्स d2, नाइट टेक्स d2, और ये पोजीशन वन पॉन अप होने के बावजूद व्हाइट आराम से ये गेम जीत सकता है, क्योंकि एक पॉन प्लस है, पोजीशन भी व्हाइट की काफी डेवलप है। ओके, इस पोजीशन के बाद तो ये दो पोजीशन है दोस्तों। d4 के बाद ब्लैक अगर e टेक्स d4 करता है तब क्या होगा? e d4 में आपको सिंपल खेलना है नाइट टू f3, पॉन के पर अटैक। अब यहां से अलग अलग रिप्लाई है, डिक्लाइन वेरिएशन, मतलब नाइट e4 के बदले क्या क्या ब्लैक अभी खेल सकते हैं अपने पॉन को सपोर्ट करने के लिए। पहला मूव है नाइट c6। नाइट c6 में क्या करना है आपको? सिंपल कैसल। कैसल के बाद ब्लैक खेलेगा d5, e टेक्स d5, नाइट टेक्स d5, और यहां आपको खेलना है नाइट g5। आइडिया बिहाइंड दिस मूव, नाइट टू f7 सेक्रीफाइस। अब यहां से दो मूव है ब्लैक के पास, एक मूव है बिशप e6 और दूसरा मूव है सिंपल h6। अगर h6 किया ब्लैक ने तो यहां आपको तुरंत ही सेक्रीफाइस देना है नाइट f7। उसके बाद आफ्टर किंग टेक्स f7, क्वीन f3 चेक, जैसे गुई को पियानो में अटैक होता है सेंटर नाइट पे, नाइट इंटरपोज नहीं हो सकता, किंग e6 फोर्स मूव है, रुक टू e1 चेक, नाइट e5 फोर्स मूव है, और यहां पे बिशप f5, और आपको अपना पीस तुरंत वापस मिल जाएगा, और ब्लैक का किंग काफी डिस्टर्ब भी हो चुका है, आपका डेवलप भी अच्छा है, ये गेम जीतने के लिए इतना काफी है। चलिए बिशप e6 में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ h6 ब्लैक अगर ट्राई करता है बिशप e6, तो यहां पे आपको सिंपल रुक e1, नाइट टेक्स बिशप की थ्रेट है, ब्लैक उसे सपोर्ट करेगा क्वीन d7, और यहां भी आप नाइट f7 सेक्रीफाइस।
अब देखो क्वीन टेक्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नाइट हैंगिंग है, बिशप टेक्स नाइट सिंपल हो रहा है, ये बिशप क्वीन है, तो बेस्ट चॉइस होगी किंग टेक्स एफ सेवन, बिशप भी क्वीन है तो किंग एफ सेवन के बाद सिंपल आपको खेलना है क्वीन टू एफ थ्री आफ्टर किंग टू जी एट। दोस्तों देखो यहाँ पे सभी पोजीशन में आपको ये पीस वापस मिलेगा, लाइक कि ब्लैक किंग ई सेवन या ई एट खेलता है तो ये बिशप पिन है और सिंपल आप आसानी से नाइट मार सकते हो। तो ब्लैक अगर यहाँ पे किंग जी एट जाता है तो ब्रिलियंट मूव होगा रुक सैक्रिफाइस। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्वीन टेक्स रुक देन बिशप टेक्स नाइट पिनिंग द क्वीन और सिंपल आपको क्वीन मिल गई। चलिए फोर्थ मूव में डी सिक्स, फोर्थ मूव में चेंजिंग, ई फोर ई फाइव बिशप सी फोर एन एफ सिक्स डी फोर नाइट टेक्स ई फोर डी टेक्स ई फाइव और यहां नाइट सिक्स के बदले डी सिक्स। अब ये पोजीशन आपको याद रहनी चाहिए, यहां पे सिंपल डी टेक्स ई फाइव। अब दोस्तों ई फोर ई फाइव बिशप सी फोर नाइट एफ सिक्स डी फोर यहां पे ई टेक्स डी फोर नाइट एफ थ्री। अब दूसरा ऑप्शन क्या है इस पोजीशन में दोस्तों, ये पोजीशन बहुत आने वाली है। तो नाइट सी सिक्स के बारे में हमने देख लिया कि आपको क्या करना है। चलिए नाइट सी सिक्स के बदले और चॉइस है डी फाइव बिशप सी फाइव और बीबी फोर, एक चॉइस ये है डी फाइव डायरेक्टली, दूसरी चॉइस है बिशप बी फोर चेक और तीसरी सिंपल बिशप सी फाइव पॉन को बिशप से सपोर्ट। तो पहले देखते हैं डी फाइव, डी फाइव में आपको करना है ई टेक्स डी फाइव नाइट टेक्स डी फाइव आफ्टर नाइट जी फाइव। सबसे पहले आपको कैसल करना है ताकि क्वीन ई सेवन नहीं आ सके, कैसलिंग के बाद स्पॉन को सपोर्ट करेगा सी फाइव से, देन सिंपल यू कैन प्ले नाइट टू जी फाइव और जो पहले वाला अटैक था वही आपको वापस मिलने वाला है, जैसे नाइट सेक्रीफाइस आफ्टर बिशप ई सिक्स रुक ई वन, बहुत सारे मूव्स हैं आपके पास ऑन बोर्ड, आपको सोच के खेलना है। ये स्टार्टिंग के मूव्स मैंने बता दिए। डी फाइव के बदले दूसरा मूव है ब्लैक के पास बिशप टू सी फाइव, बिशप सी फाइव में आपको खेलना है ई फाइव, ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई होगा लाइक काउंटर अटैक डी फाइव, तो डी फाइव में ई एफ सिक्स डी सी फोर देन क्वीन टू ई टू, यहाँ पे बिशप ई सिक्स इज बेस्ट चॉइस, पॉन टेक्स पॉन रुक टू जी एट, आफ्टर बिशप जी फाइव क्वीन डी सेवन नाइट डी टू। अब आप अपना पॉन वापस लेने का ट्राई कर रहे हो, यहाँ पे ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा डी थ्री पॉन टेक्स डी थ्री क्वीन टेक्स पॉन टेक्स डी थ्री पॉसिबल नहीं है क्योंकि आफ्टर पॉन टेक्स डी थ्री सिंपल व्हाइट के पास बढ़िया मूव है क्वीन ई फाइव और ये जी सेवन पॉन को सपोर्ट भी कर रहा है और सेंटर भी आपके हाथ में, तो हो सकता है ब्लैक यहाँ पे ज्यादातर क्वीन टू डी थ्री करता है। मैं रिकमेंड करूंगा क्वीन एक्सचेंज कर लो एंड गेम में जाओ, ये बढ़िया एंड गेम होगी व्हाइट के लिए, पॉन टेक्स क्वीन उसके बाद सिंपल कर लेना है कैसल। अब होप फोर्स मूव है रुक टेक्स जी सेवन आफ्टर नाइट ई फोर बिशप पे अटैक बिशप ई सेवन, यहाँ बिशप भी एक्सचेंज कर लो बिशप टेक्स किंग टेक्स बिशप और उसके बाद सिंपल रुक एफ डी वन, ये पॉन आपको तुरंत वापस मिल जाएगा, पोजीशन भी आपके फेवर में है। लास्ट चॉइस चेक बीबी फोर चेक, यहां पे बिशप सी फाइव के बदले बिशप बी फोर चेक,
यहाँ पे आपको खेलना है c3। हालांकि इसमें आपका पॉन आइसोलेटेड होता है, लेकिन पोजिशनली बहुत ही अटैक मिलेगा आपको। c3 के बाद आफ्टर d takes c3, आप d takes c3 करोगे। Bishop e7 मेन चॉइस है। Bishop e7 के बाद सिंपल आपको खेलना है e5। यहाँ पे ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन है knight to g4, और यहाँ आपको खेलना है h3। नाइट के पास एक ही ऑप्शन है knight h6, और Bishop takes knight g takes, देन सिंपल queen to d। अब अगर कोई, ज्यादातर प्लेयर Rook f8 पसंद नहीं करते इस पोजीशन में। मान लो कि किसी ने कैसल कर लिया, तो यहां पे आपको खेलना है Bishop d3। ब्लैक का बेस्ट रिप्लाई होगा d6, और यहां आपको खेलना है Queen to e4। अब फोर्थ चॉइस है f5, आफ्टर पॉन टेक्स देन Bishop takes, और यहां सिंपल मेट। तो दोस्तों, ये थी उर्सो गैम्बिट डिक्लाइन लाइन। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी लाइन के एक्सेप्टेड वेरिएशन। तो ये सारे वेरिएशन रेडी कर लीजिए। अब देखते हैं, एक ऑनलाइन गेम अगर हो जाए तो मजा आएगा। ब्लेज ही खेलूंगा दोस्तों, ताकि आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं हो। 3-2 वाला कोई प्लेयर नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्विक पेयरिंग से जाएंगे। लीचेस सभी लोग यूज करते हैं 3-2। इसमें मेरी कोई भी एक लाइन आपको मिल भी जाएगी। ओके, यहाँ पे d4 थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा, और इसे रेटिंग देख लेते 2064। d4 के सामने मेरा बेस्ट चॉइस है d5। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। कई बार हम लोग टाइम प्रेशर से सीगोर इन लाइन ही खेलेंगे। c4 के सामने nc6, knight f3, e3, nc3, ओके, e3 के सामने e5। ये लाइन पूरी रेडी है आपके लिए। मेरे पुराने वीडियो में पूरी सिगोरिन की सीरीज मैंने बनाई है, देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। पॉन टेक्स में सिंपल क्वीन टेक्स पॉन, knight c3, यहाँ पे आपको खेलना है Bishop to b4, Bishop d2, Bishop takes c3, ये सब पूरी लाइन है। अगर Bishop d2 नहीं किया तो हम यहाँ पे हम क्वीन पे थ्रेट, Bishop takes, यहाँ पे सिंपल पॉन टेक्स पॉन और आइसोलेटेड पॉन, और ये पोजीशन ब्लैक के फेवर में। ब्लैक व्हाइट के पास एक आइसोलेटेड पॉन है। ओके, Bishop to g5, Bishop e2, और यहां हम कर सकते हैं लॉन्ग कैसल, इस पॉन पे प्रेशर। कैसल लिंग, ओके, यहां हम क्या खेलेंगे, Queen h5, एक ये चॉइस है Queen h5 h3। ओके, Queen h5 इज गुड। Queen a5, और यहां Knight e4 मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। ओके, Knight e4, Knight takes Bishop, और ये सिंपल हमें Bishop takes knight भी फोर्स करना पड़ेगा, और यहाँ Queen g6। ओके, सिंपल Queen takes Bishop, चेक की थ्रेट है, कोई Queen takes pawn, Queen check king d7, then rook here, और Queen takes pawn पॉसिबल नहीं है। चलिए यहाँ पे हम सिंपल लॉक कर देंगे, चेक रोकना जरूरी है। रुक ओपन फाइल में, सिंपल किंग, c3 पॉन थोड़ा वीक है, हम एक पॉन डाउन है, लेकिन कंपेंसेशन है, डेवलप हमारा काफी अच्छा है। ओके,
रुक डर नहीं खेल सकते वरना पॉन पुश हो जाएगा। G6 ओपन फाइल में रखना अच्छा है। फोर्स एक्सचेंज 7th 11 ऐसा बोलते हैं। किंग को डेवलप करते फिर 7th पे सबसे स्ट्रॉन्ग रुख हमारा है। चलो ये हो गई ब्रिलियंट चौक पोजीशन। ब्लॉक करेंगे चलिए यहां पे आसानी से पॉन बैक कोई प्रॉब्लम नहीं। हम रुक से नहीं मारेंगे वरना उसकी एंड गेम विनिंग है। ये पॉन पास हो रहा है पॉन पिन है और ये सिंपल रुक टेक्स पॉन एक्सचेंज और यहाँ पे क्लियर कट विन। दोस्तों कैसी रही गेम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाना जरूर लिखना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारी ओपनिंग्स आपको सीखने को मिलेगी। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद जय गुजरात।